हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में। हम आपको बता दें कि जियो की तरफ से फिर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो क्या है ये खुशखबरी, जानेंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि जियो ने नया रूल लागू किया था कि अगर आप जियो टू जियो कॉल अप करेंगे तो फ्री होगा, लेकिन अदर नेटवर्क पे कॉल करते हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, तो आपको प्रति मिनट 6 पैसे देना पड़ेगा। जी हाँ, इसके बाद से एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि जियो के कस्टमर के लिए खुशखबरी ही मान लीजिए। हम आपको बता दें कि जियो ने अपने बयान में कहा था कि अन्य कंपनियों की 2G सेवाएं महंगी हैं, जिसकी वजह से उन कंपनियों के ग्राहक जियो के उपभोक्ताओं को मिस कॉल करते हैं, उसके बाद से जियो के ग्राहक उन्हें वापस कॉल करते हैं। इसके लिए इन्होंने ये नियम निकाला है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इसके बदले जियो को उन कंपनियों को इंटरकनेक्ट प्रयोग शुल्क चुकाना पड़ता है। जियो नेटवर्क पर रोजाना ऐसे 30 करोड़ तक मिस कॉल आती है। जी हाँ, 30 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जियो ने इसके लिए 3 साल में 13,500 करोड़ रुपए चुकाए हैं। एयरटेल और वोडा आइडिया जियो के इस कदम पर कहा है कि ये छोटे रिचार्ज वाले उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने का काम करेगा। ट्राई को IUC मुद्दे पर गहन विचार करने की ज़रूरत है, ग्राहकों के खातिर लाइसेंस रद्द नहीं किया जाए। जियो के इंटरकनेक्टिविटी देने से इनकार करने की स्थिति में ट्राई, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का लाइसेंस रद्द करने का भी विचार किया गया था। हालांकि ट्राई ने इस कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश इसलिए नहीं की थी कि इससे ग्राहकों को असुविधा होती है, ये थी जियो की शिकायत। जियो ने कहा था कि उन 3 टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उसे PIO नहीं दिए जाने के कारण उसकी 75% कॉल फेल हो रही है। जी हाँ, फोन की घंटी पर भी ये परेशानी है। जियो ने अपने नेटवर्क से की जाने वाली कॉल की घंटी की अवधि कम कर दी है। एयरटेल ने कहा है कि ये ग्राहकों को इस सुविधा के खिलाफ है। एयरटेल का कहना है कि कॉल खत्म होने वाले एक्सचेंज पर घंटी की अवधि 45 सेकंड और जहां से कॉल आ रही है उसे एक्सचेंज पर यह 75 सेकंड की होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया ने इसे 30 सेकंड रखने का सुझाव दिया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना दूरसंचार नियम ट्राई ने अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो के इंटरकनेक्टिविटी देने से इनकार के दंड स्वरूप एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए के जुर्माने की सिफारिश की थी। इनमें वोडाफोन और आइडिया का विलय हो चुका है। अब हम बात करते हैं उस बहुत बड़े खुशखबरी के बारे में। हम आपको बता दें कि कंपनी ने अपने यूजर्स को राहत देने की कोशिश की है। रिलायंस जियो ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि अगर जियो यूजर्स ने 9 अक्टूबर या उससे पहले रिचार्ज कराया है तो उन्हें फ्री कॉल्स का फ़ायदा प्लान खत्म होने तक मिलेगा। जी हाँ, जियो ने ट्वीट कर कहा है कि यूजर्स अपना पुराना प्लान खत्म होने तक दूसरे नेटवर्क पर भी फ्री कॉल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, तो ये रही हमारी बहुत बड़ी खुशखबरी। थोड़ा तो राहत ज़रूर मिलेगा जिन लोगों ने रिचार्ज करवा रखा है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।